हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्वादिष्ट घिया के कोफ्ते बनाना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं इन्हें कैसे बनाते हैं। एक कसी हुई घिया, चार टमाटर और दो प्याज। प्याज को ऐसे काटना है और टमाटर को कसना है। अब हम पकोड़े बनाना शुरू करेंगे। जिसमें भी आप बनाएंगे उसमें आप तेल डाल लें। तेल को गर्म होने के लिए रख दें। इतने तेल गर्म हो इतने हम घिया के अंदर दो कटोरी बेसन मिलाएंगे। एक चम्मच नमक, और आधे से भी थोड़ा, और धनिया। अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। अब हमारा तेल गरम हो गया। अब हम पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको नॉर्मल साइज के बनाने हैं तो आप एक चम्मच डाल लें, अगर ज्यादा बड़े बनाने हैं तो आप ज्यादा डाल लें।
अब हमारे पकोड़े बन गए, अब हम इन्हें इसमें से निकाल लेंगे। अब हम इसकी सब्जी बनाना शुरू करते हैं। आपको एक चम्मच ऑयल में जो हमने दो प्याज काटे थे उन्हें डालना है। इनका गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसे हिलाते रहेंगे। इनका कलर अब गोल्डन ब्राउन आ गया। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे। एक चम्मच हल्दी डालनी है। अब नमक स्वाद अनुसार, उसको इसमें अच्छे से मिला दें। अब हम इसमें दो कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अब इसमें एक ग्लास पानी डालना है। स्वाद अनुसार गरम मसाला और धनिया। देखो इसमें बबल्स फूलने शुरू हो गए हैं।
अब इसमें हम पकोड़े डालेंगे। अब हमारे स्वादिष्ट घिया के कोफ्ते तैयार हैं। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना ये आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।